रेडी फॉर ऋषि सुनाक, ये ब्रिटेन वालों का कैंपेन था हमारे भारत के ग्रेट पर्सनालिटी ऋषि सुनाक के बारे में। तो ये कैंपेन क्यों था आज की क्लास में हम बात करेंगे, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पद का चुनाव कैसे होता है, और इसके पहले प्रधानमंत्री पद पे कौन थी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, और ब्रिटेन का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वाला ब्रीफ। सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। होप आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो ये चैनल जो बना है इसमें मैं आप लोग को जीएस एंड करंट का टॉपिक पढ़ाती हूँ, और मैं एनसीईआरटी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। एनसीईआरटी को हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होती है, सब चीज़ों को हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, बात करते हैं ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक ही कंट्री है या इस कंट्री में इतनी कंट्री आती है, तो आज हमारा जो डाउट रहेगा ना वो क्लियर हो जाएगा। यूके ब्रिटेन में फोर कंट्रीज आती हैं। फर्स्ट है नॉर्थ आयरलैंड, सेकंड है स्कॉटलैंड, थर्ड है इंग्लैंड, वेल्स। तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, इसमें फोर कंट्रीज आती हैं, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। अब हम देखेंगे ब्रिटेन के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट है इलेक्शन प्रोसेस का नॉमिनेशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड जिसके थ्रू इलेक्ट किया जाता है। तो नॉमिनेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें होता है कि पहले तो हमने देखा था कि 20-20 मेंबर्स होने चाहिए सबके पास। तो इसके बाद नॉमिनेशन मेथड में होता है कि जिसके पास 20 से ज़्यादा समर्थक आ रहे हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, वो आगे की प्रोसेस के लिए रेडी रहता है। अब सेकंड प्रोसेस में हमारा होता है एलिमिनेशन, जिसको 30 से कम वोट मिलते हैं वो आउट होता जाता है। ये तब तक वो आउट होता है जब तक लास्ट के 2 मेंबर्स नहीं बचते हैं। अब इसके बाद का हम मेथड देखेंगे, देखेंगे कैसे इलेक्शन के लिए वो खड़े हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो कंजर्वेटिव पार्टी रहती है उसमें जितने भी लोग रहते हैं, ये कहा जाता है कि जो इस पार्टी में अपने आप को लीडर मानते हैं वो आगे आ जाए, कहने का मतलब है अपनी दावेदारी को वो पेश करें। तो सब लोग अपने आप को तो लीडर ही समझेंगे, कोई तो पीछे हटेगा नहीं। उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपके पक्ष में 20 लोग खड़े रहें, तब वो आप लीडर के रूप में आगे आ सकते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए कि कितने लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, 17 या 18 लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सबके साथ 20 सांसद होने चाहिए तभी वो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। अब हम देखेंगे फाइनल इलेक्शन किस तरह से होता है। तो अब देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। इसमें भी दो पार्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ कई पार्टियाँ बनी हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसी तरह से ब्रिटेन का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें भी दो पार्टियां बनी है। फर्स्ट है लिबरल पार्टी, सेकंड है कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो इस समय इलेक्शन हुआ है वो कंजर्वेटिव पार्टी से हुआ है, और जो वहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो वो जनता के द्वारा नहीं इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ के संसद भवन में 358 सांसद हैं जिनके थ्रू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। थर्ड प्रोसेस आता है हमारा जनता का। तो इसमें क्या होता है, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी हो गई, उसमें जितने लोग मेंबरशिप लिए रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई बीजेपी पार्टी होती है सब मेंबरशिप लेके रखते हैं, तो सेम वहाँ भी ऐसे ही होता है कि जैसे कंजर्वेटिव पार्टी है तो वहाँ के जितने लोग मेंबरशिप लेके लिए रहते हैं वो अपना पोस्टल के माध्यम से अपना वोट जो है वो भेजते हैं, बूथ के माध्यम से नहीं, पोस्टल के माध्यम से अपना वोट भेजते हैं। तो लास्ट के 2 मेंबर जो बचे रहते हैं उनमें जिसको वोटिंग ज़्यादा मिलती है वो, जितने लोग जैसे कंजर्वेटिव पार्टी में मेंबरशिप लिए रहते उनके द्वारा चुन लिए जाने के बाद वो इन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
वे जाते हैं रानी के पास, ब्रिटेन की रानी के पास जाते हैं और जो जो कार्य उन्हें करना रहता है सब उनको बताते हैं, तो वो डन करती है, कन्फर्मेशन देती है कि आप कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, एक होता है हस्टिंग टर्म, ये हमारे एग्जाम में पूछ सकता है टर्म जो है कि हस्टिंग टर्म क्या होता है। तो हस्टिंग टर्म में क्या होता है, ये जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा, तो दो लोग लास्ट में चुने गए रहते हैं, लास्ट के दो मेंबर बचे रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो कैंपेन चलाते हैं, उसी कैंपेन को हम कहते हैं हस्टिंग टर्म। वो जनता के बीच कैंपेन चलाते हैं कि जो जो उनको काम करना रहेगा, जो जो पॉलिसीज लानी होंगी, तो उसको हम हस्टिंग टर्म कहते हैं। जिसके बाद जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलता है, जैसे 1 लाख से 1.5 लाख लोग रहते हैं, तो जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलता है वो बन जाता है प्रधानमंत्री, पीएम। तो ये आप लोग को ब्रिटेन का इलेक्शन प्रोसेस समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं इसमें बताने वाली थी कि जो प्रेजेंट में कौन हुआ है और पास्ट में उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, पर ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।